मेरी बेटी के साथ बहुत ही घिनौना मजाक किया है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब इंसान नीचे वालों से चोट खाता है तो वो ऊपर वाले को याद करता है। वो अंदर देखो। तुम जानते हो तुमने जो हरकत की है उसके लिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को बचा लो। बस मुझे इतना बता दो कि इन सब में से कौन है। मैं तुम्हें सिर्फ आधे मिनट का टाइम देता हूं, बताओ। तुम्हारा वक्त शुरू होता है पापा। बताओ किसने तुम्हें वो नींद की गोलियां यहां डिलीवर करने को कहा? यही औरत साहब जिसने मुझे गोलियां लाने के लिए कहा था। मुझे इस काम के लिए पैसे भी दिए गए थे साहब। मेरी कोई गलती नहीं साहब, मेरी कोई गलती नहीं। मैंने तो वही किया जो मेरे को बोला गया था। ये सब इन्होंने किया साहब। इसी वक्त से मुझे कभी अपनी बेटी मत कहना तुम। पर मैंने किया क्या पुत्र? बस बस। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी माँ मेरी बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना खेल खेलेगी। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं पूछती हूँ ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी माँ? पर पुत्र मैंने किया क्या? बस बस करो। पर पुत्र मैंने बस माँ एक शब्द भी मत कहना, एक शब्द भी मत कहना आगे तुम। तुम जानती थी ना माँ क्या अनुपमा मेरे लिए रिधिमासी कहीं ज्यादा बढ़कर है। पर पुत्र मैं वो मैंने क्या किया है? नहीं नहीं माँ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें मैं। मैं अपनी माँ के जुर्म कबूल करती और अनुपमा की माँ होने के नाते मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरी माँ को जो भी सजा देना चाहेंगे मुझे मंजूर। क्या कह रही है माँ? पुत्र तो क्या कह रही है? मैंने तो कख भी नहीं किया। मैं आपकी इतनी इज्जत करता था। आप माया की माँ हैं लेकिन एक सगी माँ से ज्यादा माना है मैंने आपको और आपने मुझे ये से। राम झूठ ना बुलाए पुत्र जी, लेकिन राम बुला रहा है झूठ। अब मैं कैसे बताऊँ आपको कि आप तो रॉन्ग एड्रेस पे घंटी बजाए जा रहे हो। क्यों किया आपने ऐसा? जवाब दीजिए मुझे। मेरी बच्ची अनु ने ऐसा क्या कर दिया आप उसके साथ ये करना चाहते?
वो तो आपकी इतनी इज्जत करती, आपको इतना मान देती, फिर क्यों? मैं जानती हूं कि मां ने ऐसा क्यों किया होगा। वो रिद्धिमा और अनुपमा में हमेशा फर्क करती है, हमेशा अनुपमा के खिलाफ बोलती थी। नहीं, आपको याद है ना? बस कर माया, बस कर। ओ, क्या हुआ ना, आज अनुपमा त्याशार होकर ना कहीं अकेली कहीं जाने लगी। माया पुत्र ने उससे पूछ लिया कि भाई पुत्र तू कहाँ जा रही है। बस सुनने की देर माया पुत्र को हाथ झटक कर उसको सोफे पे गिरा दिया। जब से अनुपमा के दर्द से सगाई हुई, न जाने क्यों इन्हें अनुपमा से जलन होने लगी और क्यों इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही है मुझ पे। वाह बाबा, आज आप अपनी जलन में इतनी अंधी हो गई कि आपने एक बार भी नहीं सोचा कि नींद की गोलियों की वजह से मेरी बच्ची की जान जा सकती है। नहीं पता रहा। नहीं मां, बस बस, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। आपने जो मेरी बच्ची के साथ किया ना, अगर किसी और ने किया होता ना तो मैं उसकी जान ले लेता, लेकिन सजा तो मैं आपको दूंगा और वो सजा ये है कि आप अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाइए। माया पुत्र, ना इस उम्र में इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी। उस वक्त आपको अपनी उम्र का लिहाज नहीं आया जब आप ये नीची हरकत करने जा रहे थे? माया, इनसे कहो कि आप ही घर से बाहर निकल, वरना ऐसा ना हो कि मैं अपना इरादा बदल दूं और पुलिस को फोन कर दूं। अच्छा पुत्र, सुना नहीं तुमने माँ क्या कहा इन्होंने? ओए कहाँ चली जाओ कमबख्त, अरे ये तो सोच कि तू जब तक मुझे वापस लेके आएगी इस घर में मैं रहूंगी कहाँ और खाऊंगी क्या। निकल जाओ, निकल जाओ अभी इसी वक्त इस घर से बाहर। अब इस घर से तक मिल गए मुझे। ओए अनुपमा पुत्र, माफ कर दे पुत्र, मुझे माफ कर दे। ओए जलन में आके ना मैं अंधी हो गई, अब मुझे नहीं पता कि मंथरा की आत्मा मेरे अंदर कैसे घुस गई। माफ कर दे माया, पुलिस को फोन कर। नहीं पापा, नानी कहीं नहीं जाएंगे। ये तुम कह रही हो अनु? तुम जानती हो ना इन्होंने क्या किया है तुम्हारे साथ? जानती हूँ पापा, नानी मुझसे प्यार करे या ना करे लेकिन मैं नानी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो यहीं रहे मेरे पास, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा पापा। लेकिन बेटा, आपको मेरी कसम है पापा, नानी को यहाँ पर रहने की इजाजत दे दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए पापा। ठीक है बेटा, मैं इन्हें तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी वजह से एक और मौका देता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर इन्होंने तुम्हारी तरफ आंख भी उठा के देखा तो इन्हें सजा देने से तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं आपको यहां रहने की इजाजत दे रहा हूं लेकिन मैंने आपको माफ नहीं किया। आज के बाद आप इस घर में रहेंगी लेकिन मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी। चलो अनु, तुझे
याद आई अपनी माँ की? हैं? फटे मत। वो तो मुझे अचानक फिल्मी आइडिया आ गया और मैंने इम्प्रोवाइज करके सिचुएशन को संभाल लिया। पर तूने तूने तो मेरा आज बुढ़ापे का वो क्या कहते हैं हैप्पी बर्थडे मना लिया था। कान खोल के सुन ले माया, कान खोल के। आज तो तूने जो कहना था कह लिया और मैंने भी जो सहना था सह लिया। पर आज के बाद अगर तूने ऐसी किसी किस्म की बात तुम्हें की ना और मेरे बुढ़ापे को रिस्क में डालने की कोशिश की ना, याद रखी तेरी जवानी को ना रिस्क में डालने में ना मुझे एक मिनट नहीं लगेगा। एक मिनट अंडर स्टैंड। यस आओ। और जिंदगी में पहली बार धनंजय सिंघानी हार कर घर लौटा है, वो भी एक लाचार और बुढ़िया औरत की वजह से, उस औरत की वजह से। यही यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि उस बुढ़िया को हम कमजोर और लाचार समझते रहे और उसी भूल की सजा आज हमें भुगतनी पड़ रही है। देखिए इस हादसे के बारे में दक्ष को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अगर वो कुछ पूछेगा तो आप कुछ मत कहिएगा, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे क्या पता नहीं चलना चाहिए भाभी? क्या छिपा रहे हैं आप लोग मुझसे? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? भैया आप बताइए, आपको मेरी कसम। नहीं दक्ष, अपनी कसम आइंदा मुझे कभी मत देना। पर तू जानता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, तेरी भाभी तुझसे कितना प्यार करती है। प्लीज आगे से ऐसे मीरा, मुझे बताने दो कि बात क्या है। नहीं नहीं, जब उसे पता चल गया है तो सच्चाई बताने में क्या हर्ज है? दक्ष दरअसल बात यह है कि तुम्हारी भाभी की तबीयत अचानक कल रात को बहुत खराब हो गई, इनका बीपी लो हो गया, इतना लो हो गया कि मुझे इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना। बस यही सच्चाई है जो हम तुमसे छुपाना चाह रहे थे। क्या भाभी की तबीयत इतनी खराब हो गई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं? भाभी पर ये सब अचानक हुआ कैसे? अरे तबीयत कोई मौसम थोड़ी है जिसके बिगड़ने का अंदाजा पहले से हो जाए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। हाँ पर भाभी तबीयत खराब होने की कोई वजह होती है, कोई कोई रीजन होता है? तुम सही कह रहे हो दक्ष, तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब होने का कारण है टेंशन, क्योंकि तुम्हारी भाभी पूरे घर का टेंशन अपने सर पे लेके घूमती है और सबसे बड़ी टेंशन है वो दादी। मेरा मतलब है दक्ष की। नहीं भैया आप ठीक कह रहे हैं, भाभी की आधी से ज्यादा परेशानियों की वजह सिर्फ और सिर्फ दादी। पर भाभी अब आपका टेंशन लेना बिल्कुल बंद, अब आप सिर्फ आराम करेंगे, घर के काम रुक्मणी दी और सुकन्या संभाल लेगी और दादी की देखरेख के लिए कल ही मैं एक नर्स को बुलवा लेता हूं ताकि आप सिर्फ आराम कर सके। ओके? नहीं दक्ष, तुम जानते हो ना कि दादी माँ को मैं नर्स के हवाले नहीं कर सकती, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन भाभी मैंने कहा ना। अच्छा भाभी ठीक है, पर अभी तो आप आराम कर सकती है ना, आप प्लीज अपने कमरे में जाइए, मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। फिलहाल तो हम बच गए, लेकिन ज्यादा दिन तक हम इस बुढ़िया की सच्चाई दक्ष से नहीं छुपा सकते। इससे पहले कि दक्ष को दादी के बारे में पता चले, कुछ भी करके हमें दादी को ढूंढना ही पड़ेगा। पता नहीं कहां मर गई।
देखिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा, आपने जितना सोचा है उससे दुगना पैसा दूंगा मैं, लेकिन मेरा एक काम होना चाहिए, बस एक काम कर दीजिए मेरा, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। किससे बात कर रहे थे? वो दारी माँ को ढूंढने के लिए मैं करीम भाई से बात कर रहा था, उसके लोगों को मैंने हायर किया है। करीम भाई वो गैंगस्टर? अरे तो क्या करूं मैं, दक्ष को क्या जवाब देंगे कि किसको ढूंढने गए हैं? हम बार बार बाहर क्यों जाते हैं घर से, बताओ ना मुझे। ठीक कह रहे हैं आप, उस बुढ़िया को ढूंढने के लिए क्या क्या झेलना पड़ा हमें, पता नहीं कहां जाकर मर गई वो। मेरे को फिर फोन आ गया। हाँ जी। अरे मुझे समझने की कोशिश कीजिए आप प्लीज, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अरे करीम भाई आप समझते क्यों नहीं, बहुत वक्त बहुत कम है मेरे पास। क्या हुआ, कुछ पता चला? आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आप लोग मुझसे कितना भी छुपा लें, लेकिन कुछ छुप नहीं सकता। आई नो कि आप दोनों दादी की तबीयत को लेकर कितना परेशान रहते हैं, इसलिए आप दोनों की परेशानी का हल लेकर आया हूं मैं आज आपके साथ। आइए आप लोग। कौन है ये लोग, कहीं तू दादी को फिर से पागल खाने तो नहीं भेज रहा? नहीं 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 भाभी, पिछली बार जो हुआ उसके बाद तो मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत जाने माने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शेरगिल के बारे में सुना था, तो मैंने उनसे दादी की तबीयत के बारे में बात की। वैसे तो बहुत बिजी हैं, उनके पास अगले 6 महीने तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, पर मेरी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से आज मुझे अपॉइंटमेंट दी, इसीलिए ये लोग आए दादी को अपने साथ ले जाने के लिए। और घबराने की कोई बात नहीं है भाभी, दादी बस 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगी, एंड आई होप कि डॉक्टर शेरगिल के ट्रीटमेंट से दादी की हालत में सुधार आ जाए। वो सब तो ठीक है दक्ष, लेकिन 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 व्हाट भाभी? क्या भैया आप भी? अरे दादी घर पे होंगी तभी तो। मतलब? अरे दक्ष सुकन्या की बातों को भी क्या सीरियस लेना, अगर इसकी बातों का कोई मतलब होता तो हम सब लोग इसे दीदी वेल दादी ठीक हो चाहे ना, पर मुझे अपने भैया भाभी के माथे पर चिंता की लकीर नहीं चाहिए, इसलिए आज मैं इन लोगों को लेकर आया हूं। आइए मैं आपको पेशेंट के पास ले चलूं। अरे अब आप लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, जाइए उसके पीछे, उसे रोकिए, आपको पता है ना अगर वो चला गया तो क्या होगा? दक्ष को रोकने का एक तरीका है मेरे पास। क्या हुआ भाभी, आप क्यों इस तरफ? दक्ष। ओ, समझा। आप डर रही हैं कि कहीं मैं दादी को एडमिट ना करा दूं। बिलीव मी भाभी, मैं दादी को सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए ले जाऊं, और अगर आप चाहती हैं तो आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। चलें, हमें देर हो रही है। भाभी क्या सोच रही हैं आप? नहीं दक्ष, मैंने तुम्हें बताया नहीं,
कि कल से दादी बहुत डरी हुई है। वो मेरे अलावा किसी और को देखती है तो बिल्कुल भड़क जाती है। प्लीज एक बार मुझे उनसे बात कर लें दो, मुझे देख लें दो, फिर हम लोग इस बारे में बात करेंगे। हाँ दक्ष, एक बार मुझे उनसे बात कर लें दो, एक बार। हाँ दक्ष, हाँ। भाभी, भाभी प्लीज, भाभी दरवाजा खोलिए, भाभी, भाभी प्लीज दरवाजा खोलिए, भाभी। मीरा, भाभी दरवाजा खोलिए प्लीज, भाभी दरवाजा खोलिए नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा।